हाँ जी हजरात, तो सीन कुछ ये है आज के। मैं चला जरा गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक करवाना है। ठीक है जी, सीन ये है कि गाड़ी कभी आपकी कोई खड्डे शड्डों में लग जाए, या कभी इसके व्हील आउट हो जाए, या उसकी बैलेंसिंग ठीक ना हो, तो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो 30, 40, 50, 60 सबका अलग अलग होता है। व्हील जो है स्टीयरिंग आपको यूं हिलने लगता है, आपको लगता है गाड़ी आपकी बंप कर रही है। तो मेरे साथ इशू आ रहा था। तो खैर, मैंने अभी अपने फ्रेंड से एक दो लोगों से पता किया है कोई बेहतर जो है लाहौर के अंदर, जो बंदा व्हील अलाइनमेंट करता हो और बैलेंसिंग करते हो। तो एक वर्कशॉप का पता लगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ देखते हैं कि उनका काम कैसे है, और मेरा ये जो मसला है ये हल होता भी है कि नहीं होता है। और यही मसला है कि टायर का मसला है, कि अलाइनमेंट के इनर का मसला है, या स्टीयरिंग की जो कंघी बोलते हैं उसका मसला है। अच्छा, तो सीन ये कि पहले मैंने जो है यहाँ बैरिया के पास कुछ वर्कशॉप जो है मैंने वहाँ पे जाके चेक करवाया। मैंने कहा यार ये मसला आ रहा है गाड़ी के साथ, जो स्टीयरिंग है वो 40, 50, 60। पहले इस जापानी गाड़ी का कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज चेंज ये मेरे सामने एक ऑप्शन आता है, जब भी मैं उसको ओके करता हूँ तो उसके बाद ये कुछ बोलती है जो कख समझ नहीं आता। अच्छा खैर, तो बाद में ये कर रहा था कि हाँ, तो मैं बैरिया के पास कुछ वर्कशॉप पे गया और वहाँ पे जाके मैंने सबको बताया। मैंने कहा भाई ये इशू है, तो कोई मुझे कह रहा है कि इसके गाड़ी का जो आगे का अलाइनमेंट का इनर होता है वो चेंज होगा। ठीक है, उसका खर्चा उन्होंने मुझे तकरीबन जो है वो 30,000 के करीब बताया। ठीक है, अच्छा फिर मैंने एक और जगह दिखाया तो उन्होंने बोला भाई स्टीयरिंग की एक कंघी होती है, उस कंघी का मसला है, वो रिपेयर भी हो जाती है और वो काबली भी मिल जाती है। काबली से मुराद यूज बाहर से जो आती है, क्योंकि जापानी से इसके न्यू पार्ट आपको इम्पोर्ट करवाने हो तो ये बड़े महंगे मिलते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने उस कंघी का खर्चा पता किया उनसे कि यार कितने की होगी अगर चेंज होती है काबली आप डालते हो इसके अंदर, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 25,000 रुपया खर्चा बताया। अच्छा, तो बस ये सीन है। फिर वो कोई बोले कि नहीं टायर चेंज होने की जरूरत है, एक दो टायर है वो आपके चेंज होने की जरूरत है, जिस वजह से आपकी गाड़ी बबलिंग कर रही है वो चीज खत्म हो जाएगी। तो खैर, सबने अलग अलग कंफ्यूज कर दिया, तो मैंने सोचा किसी जानने वाले के पास जाना चाहिए। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखते हैं बस क्या होता है। आज मौसम फिर पार्टली क्लाउडी है, सो अच्छा लग रहा है, कभी धूप आ रही है कभी छांव आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो सफर से निकलते वक्त जो है कि धुआं नहीं भूलनी चाहिए आपको, चाहे आप बाइक पे जाओ, चाहे साइकिल पे जाओ, चाहे आप गाड़ी पे जाओ, तो सफर की धुआं आप लाजमी पढ़ लो। वो अलग बात है, पूरे रास्ते गाने सुनते रहते हैं। इसके अलावा ये कि डोंट फॉरगेट टू फास्टन योर सीट बेल्ट Because of your safety, not because of team. लाहौर के रास्तों का मुझे अंदाज़ा कुछ हद तक है, अभी कुछ हद तक नहीं भी है, थोड़े बहुत रास्ते मुझे याद है। उसकी लोकेशन मैंने चेक की है, जो वर्कशॉप है वो है मौलाना शौकत अली रोड पे, अलहू चौक से स्ट्रेट जाएंगे, वहाँ से आगे मौलाना शौकत अली रोड आएगा, वहाँ से हम राइट हैंड मुड़ेंगे जो टाउनशिप तरफ रास्ता जाता है, और उधर होंडा का शोरूम भी है और वहीं पर उनकी वर्कशॉप भी है। फेस नहीं करना पड़ रहा, ये कभी कभी हो रहा है। अब जैसे अभी निकला हूँ मैं काम करवाने के लिए, लेकिन ये मसला मुझे आ नहीं रहा इस वक्त, ये रैंडम किसी भी वक्त अचानक किसी भी ट्रिप पे हो जाता है। और ये करवाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब ये होता है ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है कि आपका दिल करता है यू टर्न करके ना घर चले जाओ वापस। और मैंने वैसे भी इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने बाद कराची का सफ़र करना है, जो कि यहाँ से तकरीबन 1,250 किलोमीटर का होगा, सो उस पर तो ये मसला बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो हमें चाहिए स्मूथ ड्राइव। स्पॉट पे पहुंच चुका हूं मैं, यहां भी भाई को मैंने चेक करवाया तीनों मसले। तो किसी के रेफरेंस आया था तो भाई ने जो है सारे जो इनकी सर्विसेज के चार्जेस हैं, जैसे व्हील बैलेंसिंग, हाई स्पीड व्हील बैलेंसिंग के 1500 लेते हैं ले रहे थे, और अलाइनमेंट के 600, और उन्होंने कहा अगर कैम्बर देखेंगे, कैम्बर में अगर काम हो तो उसके तकरीबन 800 रुपये चार्जेस हैं।
तो सारे मिला जुला के तकरीबन होते हैं 2900। कैम्बर उन्होंने बताया थोड़ा सा कैम्बर टेढ़ा है, जिस वजह से वो टायर भी खा रहा था। कैम्बर चेक करने का थोड़ा तरीका तो बताओ यार इसमें। अस्सलाम वालेकुम, ये कैम्बर चेक करने का तरीका, ये जो होता है इधर कैम्बर तकरीबन इधर होना चाहिए, सेंटर में नहीं आना चाहिए। अक्सर लोग सेंटर में कर देते हैं तो गाड़ी का टायर ख़त्म हो जाते हैं। फिर यहाँ इस वाली साइड से खा रहे होते हैं। चीज़ अगर टायर अंदर होगा तो फिर अंदर वाली चीज़ टायर खत्म होगा। सही है। तो अगर टायर बाहर होगा तो ये चीज़ खत्म होगी। ओके, थोड़ा सा इसकी चाल होती है। हाँ, इसमें है जी है। सही है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सीधा होना चाहिए। ओके जी, सो ये भी बंद है। मज़े का फैक्ट पता चला है, मैं पास अभी भाई है कहते हैं अपनी गाड़ी में स्प्रे किया, मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना पेंट हो रहा है बोनट, तो अगर से इसको परफ्यूम की हल्की भनक भी आ जाए ना तो ये पेंट के ऊपर इस तरह का निशान आ जाता है। ये होंडा से एक का जो है ना बैक बम्पर पे पेंट हो रहा है। अच्छा, जो हमने सारा भी सिस्टम उस पर लगा दिया उसके बाद ये कंप्यूटर में सारी डिटेल आएगी इसकी। गाड़ी आती है, गाड़ी होंडा सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये सारा डिटेल आता है। मेरे तो अभी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, बाकी भाई बताएंगे क्या हो रहा है। अच्छा, होंडा एच आर भी है। वो जो ऑनर है वो साथ में खड़े होकर काम करवाते हैं स्टाफ के साथ। स्टाफ को बोला पहले डायरेक्ट गियर बैलेंसिंग बना लगाओ, पहले उसको निकालो और निकाल के उसको अच्छे से साफ करो, उसके बाद जाके उसको मशीन को लगा के चेक करो। जो वेट लगे हुए थे वो हटाते हैं। हाँ जी, हटाते हैं। सही है जी। अंदर वाला साइज 4-5, बाहर वाला 8। कैसे करती है ऐसे? कैसे? किस तरह से उसमें पता चलता है? वो पहले वेट लगे हुए थे। हाँ हाँ, तो वो बता रही 30 और 20। ठीक है, वो उतार दी, वो 50 के वेट लगे हुए। ओके, ज्यादा लगे हुए थे। अब 0 आ गया। सही है, 7 आ गया। ओके, तो टेस्ट ड्राइव हो चुकी है, इन्हें चेक किया, मैं भी बैठा था साथ में, काफ़ी हद तक मसला हल हो चुका है। अभी वो चीज़ फील हो नहीं रही। अब ये है कि अगरचे दोबारा बाद में ये काम निकलता है या मुझे फील होता है तो उसको फिर बाद में देखेंगे। बाकी भाई ने बताया तकरीबन ये आपकी जो व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट है और ये सब आपको तकरीबन 10,000 किलोमीटर बाद गाड़ी की चेक करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर से आप ऐसा नहीं करवाते तो आपके व्हील्स ख़त्म होने का भी पूरा ख़तरा होता है। हाँ जी, तो मैं यहाँ आया था, क्या कहते हैं इस रोड को, मौलाना शौकत अली रोड पे। अभी मैं दिखाता भी यहाँ से गुजरूंगा तो बाहर से दिखाऊंगा कि किस तरह से इनका वर्कशॉप
बाकी जो वट्टू मोटर्स के नाम से तो वो जो यहाँ पे एक जो इनके ऑनर उनका नाम ही वट्टू है, तो उन्होंने नाम से रखा हुआ है वट्टू मोटर्स वर्कशॉप टाइप का इन्होंने नाम रखा है। दूसरा ये कि वो इलाके भी बड़े अच्छे हैं, बड़े कॉपरेटिव भी हैं और इनके रेट भी बहुत रिजनेबल हैं, बाकी सर्विस भी अच्छी है और क्विक सर्विस है। वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू फास्टन योर सीट बेल्ट। हाँ जी, तो ये चेक करो, रिस्पांस इसका काफ़ी बेहतर है, बाकी रोड थोड़ा अप डाउन है वो लगे, लेकिन ये कि रिस्पांस काफ़ी इस वक्त इसका बेहतर आ रहा है मुझे। जिस तरफ किया हुआ है गाड़ी उधर ही सीधी जा रही है। पहले पे भी थोड़ा मुझे महसूस होता था जब मैं ट्रेन पे इसको एक तरफ मोड़ता था तो वो वापस आने में टाइम ले रहा था, अब ये कि माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अड़िया इधर माशाल्लाह इतना प्यारा हो रहा है इस वक्त, बहुत खूबसूरत सनसेट देखने को मिल रहा है। लोगों को इतनी क्या जल्दी है जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी छोड़ के रोड के बीच में जाके खड़े हो जाएंगे और इंतजार करेंगे आगे निकलने का। ये देखो सवार, वो चेक करो, सिग्नल बंद है लेकिन इनको जल्दी चेक करो कितनी है। ये चिंची वाला वो वहां से घूम के यहाँ तक आया है सिग्नल बंद में। ये लो जी, देखकर खुशी हो ना हो, एवरेज देखकर खुशी हो रही है, क्योंकि आपके अगर व्हील आउट हुए हैं और कोई मसला हो तो आपकी एवरेज और गाड़ी आपके पेट्रोल ज़्यादा पीती है क्योंकि टायर आपके ठीक डायरेक्शन में नहीं होते। 9 पे पहुंची हुई थी एवरेज, इस वक्त ये दिखा रहा है 18.5 दिखा रहा है, अब तकरीबन डबल का फ़र्क आ गया, क्योंकि मैंने अलाइनमेंट करवाने के बाद जो है इसको दोबारा रीसेट किया था एवरेज को, और तब से मैं निकला हुआ हूँ तकरीबन 8 किलोमीटर चला लिए और ये एवरेज बढ़ती जा रही है। देखे 18.8 पे चला गया और एसी भी इस वक्त ऑन है, गर्मी ज़्यादा नहीं है तो मैंने एसी को जो ना एक पॉइंट भी रखा हुआ है बढ़ा के। ये देखने को मिल रहा है कि आग लग गई फिर से यहाँ पे सामने, तो हुआ यार अच्छा खासा, ये फैक्ट्री यहाँ पे किसी चीज़ की, अल्लाह खैर करे आग ना लगी हो, कुछ वैसे ही कोई कचरा वगैरह जला रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा लगी किधर है ये। अरे सही है, कचरे पे आग लगाई है। हाँ जी, तो हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच गए हैं, बोले तो घर के पास पहुँच गए, तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर दूर था वर्कशॉप। ट्रेंडिंग सही है, इतनी मुश्किल नहीं है, लगता है कि मुश्किल होगी लेकिन इतनी है नहीं। कौन आया? आ गया तो बोल देना, मैसेज कर दिया। सर इसका साउंड जो है ना थोड़ा मजा नहीं दे रहा ना, ज्यादा में दे रहा कम में नहीं दे रहा। हाँ एक ऑफर की 10,000
एक बज रहा होगा तकरीबन।